हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले, जैसे कि हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और मेरे को इसमें एक बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं। RSI भी बता रहा था, ये ट्रेंड एंड ब्रेक भी बता रही थी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर निफ्टी इस एरिया को क्रॉस कर देता है और इस पर सस्टेन कर जाता है तो हम इसको इजीली बाय करेंगे। दोस्तों, मैंने ये ट्रेड्स आज खुद भी लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे बाय करा था कहीं पे और अपना टारगेट इजीली इस जोन तक रखा था जिस हिसाब से मेरे को सेंटिमेंट्स दिख रहे थे, और ये मेरे को इजीली अचीव भी हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि RSI एक बार भी RSI ने भी, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाऊं, एक सेकेंड, तो RSI भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही था। ठीक है दोस्तों, पर अब हम कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में? दोस्तों, निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है, ओवरबॉट एरिया में आ चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा गैप डाउन खुल के ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक एरियाज बना के दे देता हूँ जो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाले हैं। एक सेकेंड दोस्तों, अगर आपके लिए निफ्टी फोर्टीन थाउजेंड 988 के ऊपर जाता है, 98 के ऊपर जाता है, सॉरी 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 900, हाँ दोस्तों, अगर आपका निफ्टी इस एरिया के ऊपर जाता है, ये दोस्तों पहली बात तो आपके लिए ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला एरिया सारा। ठीक है, निफ्ट आप इसमें ट्रेड कब लोगे? या तो ये नीचे ब्रेकआउट दे या तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे। अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, निफ्टी 15,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, बार बार नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें अपना टारगेट ज़्यादा बढ़ा नहीं रखेंगे, हम इसमें टारगेट अपना अराउंड इन एरियो पर रखेंगे जहाँ से निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट हमारा 15,000 हो जाएगा जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। दोस्तों, आपके सामने मैंने सारे लेवल्स बना दिए निफ्टी के लिए जिस पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपको हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होने का वेट करना है। अगर इस पर सस्टेन कर जाता है तो दोस्तों इजीली हमें नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ये है इजीली अचीव हो जाएगा। पर अगर निफ्टी ऊपर से ब्रेक दे देता है थोड़ा करेक्टिव वे लेके, क्योंकि दोस्तों ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो ये है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करके या नीचे से आके इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो दोस्तों हमें इजीली ये टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप ये टारगेट भी अचीव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको निफ्टी का आज हमारा व्यू समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले स्टॉक पे जो कि है बैंक निफ्टी। दोस्तों, बैंक निफ्टी भी, एक सेकेंड, ये मैंने दोस्तों अभी बनाई है और आपके लिए ही बनाई है, मैं इनको आपको दोबारा समझा के फिर बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा पर निफ्टी ने कर दिया था। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी, मैंने आपको अपनी वीडियो में, आप मतलब वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है, ठीक है, जो कि ये हो गया, तो एक हमें अच्छा मूव देगा। तो ये सस्टेन भी हुआ और इसने हमें एक अच्छा मूव भी दिया। और दोस्तों, आई होप कि आपने कल की हमारी वीडियो देख के प्रॉफिट अच्छे बुक भी करे होंगे। ठीक है, अब आगे के लिए हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, पहले मैं ये हटा दूँ। हाँ, तो बैंक निफ्टी दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो हमें अब दिस जोन ट्रेड करना है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों,
इस जोन के ऊपर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी दोस्तों आप देखोगे तो ओवरबॉट टेरिटरी में तो कहीं ना कहीं है ही, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गैप डाउन खोल के वापस अच्छे सेंटिमेंट बनाता है तो इजीली दोस्तों हम जो अपना पहला टारगेट बनाएंगे वो बनाएंगे हम दोस्तों 1 सेकंड मैं इसमें लिख देता हूँ। दोस्तों जो हम पहला हमारा टारगेट होंगे, सॉरी लाइन डिलीट हो गई, पहला टारगेट दोस्तों हमारे लिए ये होगा, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस हाईज होंगे, ठीक है। और ये दोस्तों जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने हमें 4% की मूव दी है उस हिसाब से ये टारगेट इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी साइडवेज पे चल रहा था। निफ्टी तो फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था दोस्तों, हमें अच्छी खासी 50-100 पॉइंट्स की रैली दे रहा था, पर बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस दे रहा था। देखिए दोस्तों इसने जो आज अकेला 1000 पॉइंट से ऊपर की मूव दे गया वो सिर्फ 100 110 की मूव दे रहा था। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि बैंक निफ्टी अब एक अच्छे बुलिश मूव में आ सकता है। तो ये टारगेट इसके लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा वो हम रख लेते हैं दोस्तों, पर वो टारगेट रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि ये टारगेट भी इतना बड़ा है कि आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा लोगे दोस्तों। ये भी 1.5% का टारगेट है, ठीक है। पर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आपको सेकंड टारगेट भी अचीव करना है, तो इजीली आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, ठीक है, जो कि है थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ये, हाँ दोस्तों ये है आपका, ये है आपके दोस्तों कल का बैंक निफ्टी के टारगेट्स। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और इस लाइन को तोड़ देता है जो कि 33,302 की है, तो हमें इजीली इस एरिया तक आने का मूव मिल सकता है जो कि 33,095 का है, और दूसरा टारगेट 32,938 का। मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, अब ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों हम इन दो टारगेट्स के लिए बाय करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं अपने अगले स्टॉक पे जो कि है कोफोर्ज। दोस्तों आप देखोगे तो इसने आज हमें इंट्राडे में ही स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही एक अच्छा मूव दे के हमारा टारगेट अचीव करवा के वापस नीचे आ गया। जिन्होंने अब प्रॉफिट बुक करने की जगह ग्रीडी ग्रीडनेस में आगे होंगे कि लालच में आए होंगे कि हमें थोड़ा सा और मूव भी मिल सकता है, हम थोड़ा और वेट करते हैं, तो आज उनका लॉस अच्छा खासा हुआ होगा, ठीक है। पर हम तो दोस्तों मैं जैसा आपको बताता हूँ कि अपना आप बिगनर के रूप में सिर्फ 1:1.5 का रिस्क रेशो अवार्ड लेके चलिए, तो वो आपको इसमें दोस्तों बहुत इजीली अचीव हुआ। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये अपने इस सिमेट्रिकल पैटर्न के एंड पे आ चुका है, अब इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम सेफ खेलेंगे तो थोड़ा सा ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छी मूव मिलेगी दोस्तों। और अगर ऊपर देगा तो ऊपर भी हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद ये मूव लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों भेल। दोस्तों भेल में मेरे को आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों मैं पहले इनको हटा दूं। दोस्तों जो भेल है वो बहुत दिनों से एक सिमेट्रिकल पैटर्न में घूम रहा था, ठीक है,
और मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो रेंज है, ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो इसका मतलब ये अपना ट्रेंड ही चेंज करने वाला है अब। क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना, तो आप समझोगे कि जो भेल के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया था वो इस सपोर्ट जोन को तोड़ के ही आया था। अब देखिए, पहली बार इसने सपोर्ट पे, दूसरी बार, तीसरी बार तो तोड़ ही दिया, चौथी बार रीटेस्ट करा तो इसने इसको ऐसा रेसिस्टेंस फेस हुआ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने अपने लेक्चर में भी बना रखी है, आप उसको हमारे यूट्यूब पे जाके लेक्चर में पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे तो इसने सिंपल एक ये पैंडल बना रखा है दोस्तों, जो कि है पोल, फ्लैग। ठीक है, और ये दोस्तों आज इसने दे दिया ब्रेकआउट। ठीक है दोस्तों, अगर भेल थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में तो कहीं ना कहीं आ रहा है, अगर मार्केट थोड़ी नीचे खुल के इसको रीटेस्ट करती है फिर उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो हम इसको इजीली बाय करेंगे। और हमें इसको बाय करना है अबव दिस लाइन, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जो कि 71.65 की है। और दोस्तों इजीली इसमें हमें 7-8% का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से आजकल ये मूव दे रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी मूव दे रहा है, तो इजीली हमें टारगेट मिल सकता है। पर हमें ज़्यादा ग्रीडनेस दिखानी नहीं है, 1:1.5 रिस्क रेशो के हिसाब से हमें टारगेट अचीव करने हैं और एग्जिट हो जाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा अगला स्टॉक है वो है कैनरा बैंक। जैसे कि दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स, अब जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करा है, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हम देखेंगे तो यहाँ से जो ये जोन है, मैं आपको थोड़ा बैक करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से बार बार रिजेक्शन फेस हो रही है इसको, ये इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंट्राडे के उस पे बेसिस पे। अगर हमारा कैनरा बैंक थोड़ा सा ऊपर खुलता है या थोड़ा सा ऊपर आता है और उसके बाद इस जोन को ब्रेक कर देता है ना, तो दोस्तों इसके बाद हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, कन्फर्म अच्छा मूव देखने को मिलेगा और हम अपना टारगेट 1:1.5 के हिसाब से इजीली अचीव कर पाएंगे। 1:2 का भी दोस्तों इसमें हम अचीव कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा तो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले स्टॉक पे जो कि HDFC बैंक है। दोस्तों HDFC बैंक को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा था, पहली बार रिस्पेक्ट दी, दूसरी बार रिस्पेक्ट दी और दोस्तों तीसरी बार इसको ऊपर ही क्लोज करके खत्म हो गया था, दिन खत्म। पर अगले दिन गैप डाउन खुला, वापस उस ट्रेंड लाइन के एरिया में आ गया ये। ठीक है, अब चौथी बार इसने ब्रेकआउट तो दिया पर पूरा दिन उस ट्रेंड लाइन के पास ही कंसोलिडेट करता रहा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितने हैवी बायर्स हैं इस एरिया में, है ना, हैवी सेलर्स हैं जो मार्केट को बार बार नीचे फेंक दे रहे हैं। अब उसके बाद अगला दिन खुला, वापस नीचे आ गया ये। ठीक है, अब दोस्तों हमारा इसमें जो व्यू है वो क्या है, इसने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कराया दोस्तों। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा इसने और ये सस्टेन कर जाता है ना इस पे अराउंड, कल इस पे नहीं खुल के यहाँ पे लाइन पे रीटेस्ट करके वापस उठ जाता है, तो हम दोस्तों इसमें इजीली बाय करेंगे। ठीक है, और मैं खुद पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें बाइंग इनिशिएट इस जोन के बाद ही करना। ठीक है दोस्तों, और इस जोन के बाद क्यों करना मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसके लिए भी हम। अगर हम पीछे जाके देखेंगे, देखिए दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है, ये ट्रेंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट हो रही है। पहले यहाँ पे ऐसा रेसिस्टेंस फेस हुई,
यहाँ पे भी रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहाँ पे वापस रेसिस्टेंस के उसमें फेस हुए, फिर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट। ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, मैंने तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, पर दोस्तों आप इजीली, अब मैं आपको क्या इसमें समझाऊँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझ आ रहा है ना कि ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कितनी कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस रेसिस्टेंस फेस करा है इसने, आप देखोगे तो एक कैंडल इसने रेड भी बनाई है, देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर कल ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हम इसको इजीली बाय करके चलेंगे और अपना टारगेट 1:2 का रखेंगे दोस्तों। इसमें हम 1:1.5 इसके लिए बहुत छोटा होगा, इसमें 1:1, इसमें 1:2 का टारगेट रखेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे दोस्तों। जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है सिप्ला। अब सिप्ला हम क्यों ले रहे हैं दोस्तों, ये हम आते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के। आप देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा था, देख रहे हैं, पहली रिस्पेक्ट, दूसरी रिस्पेक्ट, तीसरी और फिर चौथी और पांचवी पे दोस्तों ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब मेरे को इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, पोल, फ्लैग, और अगर ये अब नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम इसको ट्रेड लेंगे, क्योंकि दोस्तों RSI भी जो है वो हमारा थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये नीचे आएगा, और अगर ये नीचे आता है दोस्तों हम इसमें बहुत अच्छा टारगेट अचीव करेंगे जो कि 1:1.5 और 1.2 तक भी जा सकता है, 1:2 तक भी। तो आई होप दोस्तों कि आज आपको हमारे लेवल्स और एनालिसिस समझ आई होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो आने वाली वीडियोस के बारे में पहले ही पता लग जाया करेगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उस पर जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।